2024 एक ऐसा साल है जो क्रिप्टो की हिस्ट्री में पहले नहीं आया। तो समझ लें, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 ट्रिलियन पे जा सकती है मार्केट। अगर ये पैसे बढ़ते हैं ना, तो कोई भी कॉइन आपने लिया हुआ है ना, उसके बढ़ने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी। इस रीसेंट प्राइस फ्लक्चुएशन रोलर कोस्टर से हम लोगों ने क्या सीखा जो कि क्रिप्टो करेंसी में चल रही है, आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। जवाब इसका ये है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी में 2-3 साल बाद जाके सीखते हैं, जो चीज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। नाउ स्टिक टू दिस वीडियो अंटिल द एंड Because you don't want to miss out. Let's get started. दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में दो चीज़ें बिठा लेनी है। नंबर वन, के क्रिप्टो करेंसी में आपको जिगरा चाहिए। नंबर टू, क्रिप्टो करेंसी में आपने वो मनी इन्वेस्ट करनी है जो आपको फौरन नहीं चाहिए, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है। हाँ, डे ट्रेडर हैं, फुल टाइम आपकी जॉब है, आपने इसको करियर बना लिया है, दैट्स अनदर थिंग। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ना कुछ साइड इनकम बनाना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, दो चीज़ें, एक तो आपको जिगरा चाहिए होगा, नंबर टू के ऊपर आपको जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो आपको फौरन निकालनी नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं क्रिप्टो में, डर रहे हैं, ये न्यूज़ है जी, वो न्यूज़ है। शुरू से मैं आपको क्रिप्टो में बता रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है। 2024 एक ऐसा साल है जो क्रिप्टो की हिस्ट्री में पहले नहीं आया, क्रिप्टो की हिस्ट्री में नंबर वन साल है। मैं इसको आपको प्रूफ्स के साथ दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हमें और ज़्यादा इसमें इंडेक्स मिल जाएंगे। सबसे पहला इंडेक्स आप देख रहे हैं मार्केट कैप का। अब ये देखें, ये जो मार्केट कैप का इंडेक्स है, अब यहाँ पे देखें 2018 में कहाँ पे गई मार्केट, 616 बिलियन पे, मतलब हाफ बिलियन से क्रॉस किया इसने 2018 में। बिटकॉइन हार्मिंग हुई, सबको पता है भाई, कॉमन है। उसके बाद फिर बिटकॉइन हार्मिंग हुई 2020 में, तो मार्केट कहाँ पे चली गई, 2.8 trillion पे, ठीक है, 3 ट्रिलियन को टच के करीब करीब टच करके आई। अभी हमारे पास नई हार्मिंग आने वाली है, जिसका हमारे पास सबूत यहाँ पे आई, ये देख सकते हैं आप, नई हार्मिंग आ रही है, 65 डेज रिमेनिंग है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग या मैं या मेरे जैसे और भाई लोग घबरा क्यों जाते हैं, कि उनके माइंड से ये निकल जाता है कि हार्मिंग बिल्कुल सामने है। जब हार्मिंग होगी उसके बाद क्या होगा, उससे अगले 4-5-6 महीनों में प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी और सारी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसकी एक रैली बन जाएगी। अब ये सोचे बगैर, अगर रिसेंटली सोलाना नीचे जा रहा है जी, सोलाना ऊपर जा रहा है, फलां नीचे जा रहा है, फलां ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ों में आप पढ़ के कॉइन सेल करोगे, जिगरा नहीं रखोगे, लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे, तो देख बताओ गलत कौन है। आप लोगों ने देखो, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है ना गलती कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना गलती करना बहुत, उसके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है प्रेडिक्ट करना, अगर 6 महीने साल की प्लानिंग की जाए। और अब अभी भी इस टाइम में भी ना आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते तो इन्वेस्ट करें। कॉइन्स बताऊँगा इस वीडियो में आगे चल के जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट करो। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें, ये देखें ये 2024 का जो है ना ग्रीड और फियर इंडेक्स आ रहा है, रीसेंट रैली बता रहा हूँ। ये तो आपको पता लग गया, एक ग्रैंड स्कीम आपको पता लग गई कि क्रिप्टो करेंसी की ग्रैंड स्कीम क्या है। यहाँ पे आपने 2018 में देखा है कि 600-700 बिलियन पे गई है, फिर उसके बाद 7 × 28 मतलब 4 गुना गई है। अगर यहाँ पे ये जा सकती है ना 2.8 trillion पे, तो समझ लें अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 ट्रिलियन पे जा सकती है मार्केट 2024 के एंड पे, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अगर ये 4 ट्रिलियन पे जाती है तो मुझे आप ज़रा ये बताएं, ये कॉइन कहाँ जाएंगे, ये सारे कॉइन जिनको अभी आप देख रहे हैं ना बहुत ऊपर गए हुए हैं और ये सोच रहे हैं इन्होंने इससे ऊपर क्या जाना है, तो मुझे अब आप बताएं, जब ये 10 ट्रिलियन पे जाएगी तो इन्होंने कहाँ जाना है। बिटकॉइन एक्सपेक्टेड है 200,000 तक, इमेजिन करें ये कहाँ जा रही है मार्केट। BTC 200,000 तक जाने के चांसेस हैं, ये सारे किधर जाएंगे, कभी सोचा है आपने? और हमारे लोग क्या है, ये
इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई सोलाना बहुत आगे ऊपर निकल गया है जी, अवलांच बहुत आगे निकल गया है जी, मेरे शिट कॉइन बताओ जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं और मैं पैसे बड़े बड़े ज़्यादा पैसे कमा सकूं। देखिए शिट कॉइन में आप पैसा बना भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, आप एक्टिवली मार्केट को मेजर नहीं कर सकते, आप डेली ट्रेड इन एंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको शिट कॉइन में नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे, कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, जब मार्केट हाइप में जाती है उस वक्त इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट क्रैश हो रही है तो तब बेचारे डर के सेल करके लूज करके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी तो आई स्कैम। उनके लिए ग्रैंड स्कीम आपको मैंने बताई है, ग्रैंड स्कीम को समझें, 4 साल क्रिप्टो में, हर 4 साल चौथा जो साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस वजह से इंपॉर्टेंट होता है, कि बिटकॉइन की हार्विंग आ रही होती है। अब इसी की हार्विंग आ रही है, आप देख सकते हैं, देखिए कितने ब्लॉक्स रह गए, 10,000 ब्लॉक्स रह गए और इसके रफली 65, अगर माइनिंग थोड़ी सी स्टॉप हुई थी पिछले दिनों में, जिसकी वजह से जो है ना इसकी टाइमिंग बढ़ गई है, वरना समझ लें 2 महीने आपके पास, ठीक है, 2 महीने के बाद इन्होंने प्राइसेस ने शूट करना है। और देखें अब कहाँ पे है, अब इसको अगर आप देखते हैं शुरू में 2018 को, अगर आप देखते हैं 2018 में जहाँ पे ये था, एक लाइन पे 1 ट्रिलियन के करीब करीब गया था, 800 मिलियन पे गया था, सॉरी 800 बिलियन पे गया था, तो उसके बाद 4 गुना हुआ, ठीक है, 3 ट्रिलियन पे चला गया। अभी ये वाली आपको जो है ना, ये छोटी सी पहाड़ी, ये आपको बड़ी लग रही है ना कि बस इसमें प्राइस बहुत ऊपर चली गई है क्रिप्टो की, अभी मेरा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, देन यू शुड थिंक ट्वाइस। अच्छा ये सारी बातें हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, विद इन 1 ईयर 2 ईयर टाइम की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो इंडेक्स आप देख रहे हैं ना, ग्रीड एंड फियर, अब हो क्या रहा होता है, ये हमारे जो लोगों की जो ग्रीड फियर है ना, इसको क्लियरली सिंपलाइज कर रहा है कि मार्केट में जनरली ऑडियंस का ट्रेंड क्या है। इस एक लाइन से आप ये बता सकते हो कि मार्केट में लोगों का सेंटीमेंट क्या है। अब यहाँ पे जब ऊपर आते हैं ना, जहाँ पे ये देखें ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, एक्सट्रीम ग्रीड में पहुँच गया, तो लोग बहुत हल्के, वो सोच रहे हैं कि बस हर चीज़ में पैसा पैसा फेंक ही जा रहे हैं, ठीक है, वो सोच समझ नहीं रहे, उनको पता है कि मार्केट हाइप में है, मार्केट बुलिश है और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो मनी उस वक्त निकालना शुरू कर देती है, जैसे एक्सट्रीम ग्रीड में जाती है वो अपने पैसे निकाल लेते, उनको पता है कि इस टाइम मैं सेल करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूपिड लोग हैं, पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, जिस प्राइस पर डाल रहा हूँ उसकी प्राइस मिल रही है मुझे, वो सेल करते हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं, इस टाइम जाके बाय कर रहे होते हैं, भाई प्राइसें बढ़ी हुई हैं, ये तो और ही ऊपर जाएगी, तो उस वक्त बाय कर लेते हैं, और क्या होगा, फिर प्राइस बूम नीचे आ जाती है। अब ये देखें, फिर यहाँ पे प्राइस गिरती 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 गिरती, वो सेल करते रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट लोग जो है ना, वो सेल करते रहते हैं, करते करते आपको, आप देख सकते हैं कहाँ पे आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, देखें एक्सट्रीम फियर, फियर में होती है, मार्केट डरी हुई होती है, तब क्या करना चाहिए आपको, जब यहाँ पे मार्केट डरी हुई है तब आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि डरी हुई है ना, आप उस वक्त कोई भी प्राइस कहोगे ना, लोग देंगे, उन्होंने कहना कि यार मेरे से ले लो, मेरी जान छुड़ाओ, और उस वक्त आपको बाय करते हैं, बाय करके आपने ऊपर ले जाना। अभी आपको आइडिया हो गया, ग्रैंड स्कीम आपको पता लग गई 4 सालों में क्या होता है, और आपको मैंने ये भी बता दी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा आपको पता लग रहा है कि ये जो मार्केट, इस टाइम मार्केट की जो स्केल है ना, क्योंकि ये देखें, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, हिंसा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, 1.72 ट्रिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंसा है। मैं तो जब भी कॉइन मार्केट कैप खोलता हूँ, मैं इसी हिंसे को देखता हूँ कि ये कहाँ है, मुझे पता लग जाता है मेरे कॉइन पोर्टफोलियो किधर होगा। अगर उसमें मेरे पास $1,00,000 पड़ा है, तो मुझे पता है कि जब ये जो है ना, इसने ये एक जो डेसिमल है ना, ये चेंज होगा ना, तो इसका मतलब है 10 बिलियन आया है इसमें। अगर ये 3 होगा तो मतलब 10 बिलियन इसमें ऐड हो गए हैं। अगर ये 7.1 होगा तो 10 बिलियन इसमें रिमूव हो गए हैं। एक डेसिमल यहाँ पे 10 बिलियन का है। अगर ये वाला चेंज होता है तो 100 बिलियन होते हैं, ठीक है, अगर ये वाला सेकंड होता है 100 बिलियन, ये वाला 10 बिलियन का डेसिमल होता है। तो मैं जैसे इसको देखता हूँ, मुझे पता होता है मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पे चला गया होगा, वो कहाँ पे होगा। इतना आसान है, इतना आसान है, बिल्कुल सिंपल है। और हम लोग पता है कि इसमें पड़े होते हैं कि पता नहीं अचानक से कोई फेरी टेल होगी, कोई बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसके फंडामेंटल को, बिल्कुल आसान हो जाता है। अभी आपने ओवरऑल देख लिया, अब आप सोच रहे हो कि मैंने जंप करना है मार्केट में, तो उस वक्त जब जंप कर रहे होते हैं किसी भी मंथ में, समटाइम ऐसे होता है कि जो शॉर्ट टर्म जो है ना, वो प्राइसेस हाइप में हो रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अप डाउन हो रहा था, ठीक है, ग्रीड फियर हो रहा था। अभी यहाँ पे जैसे शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, फियर में गया, ठीक है, न्यूट्रल में गया, न्यूट्रल के बाद फिर थोड़ा सा न्यूट्रल से ऊपर जा रहा है, अभी स्लोली ग्रीड की तरफ जा रहा है।
अब ये वो टाइम है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अब ये वो टाइम है जब आप बाई कर लें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ऊपर हैं अभी यहाँ पे ग्रीड में है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि जैसे ही फियर में जाएगा उस वक्त मैं बाय करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आप उस टाइम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल प्राइस हासिल कर सकते हैं। ग्रैंड स्कीम भी समझ आ गई, बेस्ट पॉसिबल प्राइस भी समझ आ गई, और करना क्या है आपको पता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को माइंड में रखना है, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो लोगों ने इसमें लगाए हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर ये पैसे बढ़ते हैं ना, तो कोई भी कॉइन आपने लिया हुआ है ना, उसके बढ़ने के चांसेस हैं। अगर ये पैसे कम होते हैं ना, तो जितने मर्जी कॉइन आपने लिए हो ना, ये नीचे चले, ये जीरो पे चले गए, तो इसका मतलब कोई भी कॉइन लिया हुआ सारा जीरो पे चल जाएगा। क्रिप्टो में जो लेसन मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो ये है, लोग क्या करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो जब मार्केट हाई पे होती है उस वक्त बाय करते हैं, फिर फियर के टाइम में सेल कर देते हैं, फिर क्या होता है वो थक जाते हैं और क्या कर उनके वॉलेट्स में ना 100, 200 या 300 रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पड़ा पड़ा रहता है, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट पंप करती है ऊपर जाती है, तो उनके वो जो 200-300 होते हैं वो 1000 हुए पड़े होते हैं, और वो ये सोचते हैं यार काश इसमें मैंने मोर इन्वेस्ट किया होता। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि उन्होंने लास्ट टर्नओवर में गलती किया थी, लास्ट टर्नओवर में गलती किया की थी, उनको टाइमलाइन की समझ नहीं आई, उनको ये नहीं हुआ कि मार्केट कितनी एक्सपेंड होगी, कितनी श्रिंक होगी, हाविंग कैसे इफेक्ट करेगी, इंस्टीट्यूशनल अर्निंग कैसे होगी। उन्होंने बस न्यूज़ को सुन के फॉलो करके काम करना होता है, उनको ये नहीं पता है कि फियर एंड ग्रीड क्या होता है, टोटल मार्केट कैप क्या होती है, और जो है ना उसको डिवीजन क्या होती है, बिटकॉइन में मनी कब आती है, आल्टकॉइन में मनी कब आती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझने के बगैर सिंपल सी चीज़ भी नहीं अपने माइंड में रखते, वो तुक्के लगाते हैं, तुक्के, और हर बार लूज करते हैं। और कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं लोगों को कि लास्ट टाइम मैंने गलती क्या की थी, वो गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं, लॉन्ग ग्रैंड स्कीम को नहीं देखते, और उनके पास पैसे भी वही उन्होंने लगाए होते हैं जो उनको ज़रूरी होते हैं। दोस्तों ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको कुछ कॉइन्स बताऊंगा जिनमें इन्वेस्ट कर लो, दिस इज़ टाइम। स्टिल सोलाना का तो सबको पता है कि मैं सोलाना का सपोर्टर हूँ, और मैं शुरू से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड आई बिलीव इन इट, एंड आई गेन्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स ऑन इट ऑलरेडी। देखिए सोलाना में इन्वेस्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, इसमें 5 times आप कर सकते हैं, अच्छा कॉइन है, देर इज़ नो डाउट इसमें अर्निंग है। लेकिन इस टाइम अगर आप सोलाना आपसे मिस हो गया, तो अवलांच को पकड़ लें, ये नेक्स्ट सोलाना है। एंड उसके बाद चेनलिंक, पोल्काडॉट और पॉलीगॉन, इनका फ्यूचर है, इसमें भी इन्वेस्ट कर लें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्होंने बहुत ग्रो करना है, बेस्ड ऑन मैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, इनकी आने वाली अपडेट्स और इनके नेटवर्क के ऊपर जो काम चल रहा है। अगर आप लोग आंखें बंद करके किसी कॉइन का कहें ना कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करूं, कोई ऐसे कॉइन बता दें जिसमें इन्वेस्ट करूं आंखें बंद करके, तो इंटरनेट कंप्यूटर में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद देखिए और भी हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो कर रहा हूं जो जिनमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ। सेलिस्टिया ऐसा कॉइन, आप इसकी ग्रोथ ज़रा जाके देखो, ज़रा ग्रोथ इसकी जाके देखो, इसने क्या किया। अच्छा ऑल टाइम में इसको क्लिक करता हूँ, ऑल टाइम में, अब ऑल टाइम में देखिए यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, यहाँ पे है 8th, हाँ ये देखिए नवंबर 8th को इसकी प्राइस थी $2.4, और जब उस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया था, और अभी आप इसको देखें $19.9 का हो चुका है, 10 times रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। तो दोस्तों अभी मज़े की बात क्या है कि इसकी प्राइस डिस्कवरी भी नहीं हुई, ये इसकी फर्स्ट टाइम पुश है, अभी इसकी प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि 162 मिलियन अभी सर्कुलेशन में है, टोटल इसके हैं 1 billion, तो ये रिलीज़ होंगे, जब ये और रिलीज़ होंगे उस वक्त इसकी प्राइस डिप करेगी। तो प्राइस डिस्कवरी, आई सजेस्ट यू कि इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है ना वो अप टू डेट रहना है कि नेक्स्ट इसकी जो है ना कॉइन रिलीज कब आ रही है, तो उससे पहले पहले आप लोगों ने इसमें से मनी आउट करनी है। सेलिस्टिया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें जाके इन्वेस्ट कर लें। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, देखिए नियर प्रोटोकॉल में करना चाहते हैं, आई एम न्यूट्रल। उसके बाद इंजेक्टिव में करना चाहते हैं, सेम थिंग है, ये भी डिजिटल सॉरी फिजिकल इंटरफेस है, डिसेंट्रलाइज्ड। फाइल कॉइन में इन्वेस्ट कर लें, फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके स्टोरेजेस आनी है, ज़रूरत पड़नी है, वेब 3 आ रहा है 100%। उसके बाद सुई
सो ही वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इसके अंदर इन्वेस्ट कर लें, सेम में इन्वेस्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ऑडी, जो है ना BRC20 टोकन है, बिटकॉइन का टोकन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, हाईली वोलेटाइल है इसमें। हीलियम, आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लें हीलियम में। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आपको मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो बॉन्क में कर लें। तो दोस्तों ये वो थे कॉइन जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और आप भी इन्वेस्ट कर लें चाहते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि मैं वीडियो में कोई गलती कर रहा हूँ। अगर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दैट वुड बी अमेजिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।